परफॉर्मेंस स्टेज के ऊपर दे रहे हैं, क्यों भाई? इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? अगर इन बच्चों को अच्छी हवा ना दे पाए, इन बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य ना दे पाए, इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन व्यवस्था ना दे पाए और इन्हें एजुकेट होने के बाद हम अच्छा रोजगार ना दे पाए। मैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हूँ। एक बच्चा बीटेक करने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगाता है और जब उसकी जॉब की बात आती है तो उसको 15 से 20 हजार की जॉब मिलती है। क्यों भाई, ये क्या सिस्टम बना रखा? खैर, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर एक ऐसी समस्या है जो सभी समस्याओं की जड़ है और वो है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर हमें इस देश को, भाई देखो, नेता तो मैं हूं नहीं और आदरणीय अंकल जी मेरे सामने बैठे, मैं बता दूं मैं गजी सफातपुर में मैं पैदा हुआ और अंकल जी को ये समझो कि भाई यहाँ पे पिता में है बैठे, इनके बनाए हुए चेले आदरणीय राम कुमार से राव जी का मैं नाम ले रहा जी, मेरे पिताजी के गुरु रहे। और जब मैं छोटा था और ये अलक्षण अंकल जी, जब अलक्षण अंकल जी का प्रचार होता था तो मैं सर के ऊपर तौलिया रख के गली में नारे लगाता फिरता था, सिर पे धर लो तौलिया भाई वीरेंद्र होलिया, तो मैं इस टाइप के नारे लगाता था। क्योंकि मैं इनके सामने अपना उद्बोधन दे रहा और आदरणीय मंत्री जी भी सामने है, मैं इनको ये बताना चाह रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम सब दीवाने हैं, लेकिन शायद इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी ये बात जानी चाहिए। अगर आप देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, और मोदी जी पे हमें कोई शक नहीं, मोदी जी आज हमारे नेता भी, मोदी जी आप जिसके नेता है, लेकिन क्या मोदी जी को ये बात समझ नहीं आती? अगर इस देश को विश्वगुरु बनाना है तो विश्वगुरु बनाने का रास्ता केवल और केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको इस देश में जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल के लिए अब जागरूकता से काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा आंकड़ा देकर अपनी बारी को विराम दे रहा, इस हिंदुस्तान के अंदर जो क्षेत्रफल हमें मिला है पूरे विश्व का, वो है 2.4%। पीने का पानी हमारे पास 4%, वन क्षेत्र हमारे पास 2.8%, लेकिन जो जनसंख्या है वो है पूरे विश्व के अंदर हमारी लगभग और लगभग 20%। क्यों भाई, संसाधन तो धीरे धीरे घटते जा रहे और ये जनसंख्या बढ़ती जा रही। और कई बार तो मैं सोचता हूँ जब बुजुर्ग लोग मेरे सामने बैठते हैं, अरे अगर हमारी पहले वाली पीढ़ी, मैं अपने पिताजी वाली पीढ़ी की बात कर रहा, अगर हमारी पहले वाली पीढ़ी इस मुद्दे के ऊपर काम करती और इस देश में आज से 40 साल पहले जब संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने अभियान शुरू किया था, इस देश की जनसंख्या अगर कंट्रोल हो जाती तो आज कुलदीप मलिक को दर दर की ठोकरे ना खानी पड़ती। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीबी डॉक्टर प्रियंका मलिक पीछे बैठी, घर में झगड़े भी बहुत रहे हैं, लेकिन रात दिन पूरे हिंदुस्तान की जनता को केवल एक ही बात समझाने पर लग रहे कि अगर इस देश को विश्वगुरु बनाना है, इन बच्चों का फ्यूचर हमें संभालना है, तो हमें देश में क्या करना है? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाना है।